कितना होता है, 497 है ना। सर क्या मामला है, ये जो पकड़े गए क्या है? ये देखिए, ये चोलापुर थाने में 6 और 7 की रात, यानी कि 6 तारीख को लगभग 9:30-10 बजे के आसपास, एक वृद्ध व्यक्ति रमाशंकर मौर्य, इसकी जो है गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें इसको गोली मारी गई थी। 2-3 दिन बाद इलाज के बाद मुकदमा लिखा गया था, ये मुकदमा के बाद इलाज के दौरान इसकी मृत्यु हो गई। 5 गोलियां उसको लगी थी और काफ़ी जघन्य घटना थी, जिसमें रात में 3-4 व्यक्ति जो है आए बाइक से और उन्होंने जाके गोली मारी थी। इसमें काफ़ी सारे मुद्दों पे इन्वेस्टिगेशन हुई, जिसमें इसके पास पुरानी जो ज़मीनें थी, जो कि आज के टाइम में कीमतें अच्छी हैं, उसके संबंध में भी जांच की गई और उसके संबंध में भी पूछताछ की गई, लेकिन वहाँ कोई हल नहीं निकला। ये पूरी योजना जो है प्रधान ने बनाई थी, जिसमें 3 जो मुख्य बदमाश जो है, जेदारू राजभर, संतोष राजभर और प्रधान की योजना थी। साथ में सोनू राजभर, जो कि तेतारू का रिश्तेदार भी है, वो भी मौके से था पर अभी फरार है, वो वांछित है इस समय हमारे, उसकी तलाश की जा रही है। धन्यवाद सर। किसी व्यक्ति के ब्लेड मारने की भी बात आ रही है कि देखिए, प्रधान शुरू से ही, जब से प्रधान से पूछताछ की जा रही थी, शुरू से ही पुलिस को उसने बरगलाने का कार्य किया और बार बार सुरक्षा की ही गुहार लगाता था। वो केस खोलने से ज़्यादा अपनी सुरक्षा पे ज़्यादा फोकस कर रहता था। प्रधान का ये पूरा इन्वॉल्वमेंट है। जब हमने प्रधान से पूछताछ करनी शुरू की, तो प्रधान ने फिर जो है इन सबके जब सामने लाया गया, तब प्रधान ने पूरी घटना स्वीकार की। तब उन्होंने तेतारू को पहचाना, उसने संतोष को भी पहचाना, उसने सिंटू को भी पहचाना, उसने स्पेशली तेतारू को अपने हाथ से ही पैसे दिए थे।